केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं के गणित और 12वीं के अर्थशास्त्र के परीक्षा पेपर लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बुधवार रात भर छापेमारी की। छापेमारी की यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के कई इलाकों में भी की। कई कोचिंग सेंटरों पर भी कार्यवाही की गई। वहीं जानकारी सामने आई है कि सीबीएसई ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसे इस बाबत 23 मार्च को शिकायत मिली थी, जिसमें आरोपी का नाम भी सामने आया था। पुलिस इस मामले में अब तक 25 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पेपर लीक होने की खबर सामने आने के बाद इससे जुड़े छात्र छात्राओं में आक्रोश देखा गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं छात्राओं के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था कि छात्रों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, पेपर लीक मामले में उच्च स्तरीय जांच हो। इस दौरान छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। सीबीएसई के 10वीं का गणित का पेपर और 12वीं का अर्थशास्त्र के पेपर लीक होने के बाद हरकत में आई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में छापेमारी की। इसमें अनेक लोगों को हिरासत में भी लिया। पुलिस जल्द ही इस मामले में अहम खुलासा कर सकती है। बता दें कि पेपर लीक मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच का एक विशेष जांच दल गठित किया। विशेष पुलिस आयुक्त आरपी उपाध्याय के मुताबिक एसआईटी के नेतृत्व में संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार कर रहे हैं। विशेष पुलिस आयुक्त आरपी उपाध्याय के मुताबिक एसआईटी का नेतृत्व संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस इसे भी मुद्दे के रूप में भुनाने में लगी है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले पर न सिर्फ मोदी को ही कटघरे में खड़ा किया बल्कि एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को तुरंत इस्तीफा देने की मांग रखी है। जवाबदेही सुनिश्चित हो जब तक श्री प्रकाश जावड़ेकर और सीबीएसई चेयरपर्सन दोनों को अपने पद से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक कोई निष्पक्ष जांच संभव नहीं। हम मांग करते हैं एचआरडी मिनिस्टर को और सीबीएसई चेयरपर्सन को अपने पद से पदमुक्त किया जाए। उधर मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले पर त्वरित कार्रवाई किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगता है आज के दिन इसकी सेंसेशनलिज्म को न बढ़ाते हुए मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सिस्टम भी सुधरेंगे, गुनहगारों को भी पकड़ेंगे और उनको सजा दिलाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में जो क्राइम आया है उसको खत्म करना यह हमारा सबका चैलेंज है। इसको हम तह तक जाएंगे। सिस्टम भी ये जो बनाया है पुलिस ने, क्राइम ब्रांच और हमने भी, एसआईटी भी बनाया है और हमने भी एक इंटरनल जांच कर रहे हैं और दोनों के जो परिणाम आएंगे वो आपको बताएंगे। लेकिन मेरी पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है और उन पर कल से न अन्याय हो इसके लिए क्या किया जा सकता है इसके हम विचार विमर्श कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस को सीबीएसई ने कहा था कि उसके पास 23 मार्च को फैक्स के जरिए पेपर लीक होने की जानकारी मिली थी। शिकायत के मुताबिक 23 मार्च को फैक्स के जरिए बताया गया था कि पेपर लीक के पीछे विक्की नाम का शख्स है, यह शख्स कोचिंग सेंटर चलाता है। अब सीबीएसई ने अपनी शिकायत में राजेंद्र नगर के 2 स्कूलों को भी पेपर लीक में आरोपी बनाया है। बताया गया है कि पेपर लीक की शिकायत पहले सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में की गई, जिसकी एक कॉपी बाद में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुशील यादव के व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड की गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद 26 मार्च 2018 तक बिना पते का लिफाफा रोज एवेन्यू स्थित सीबीएसई के एकेडमिक यूनिट में डिलीवर हुआ। इस लिफाफे में 12वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स विषय के हाथ से लिखे 4 पेपर जवाबों के साथ मिले थे।